सो ये है बहुत ही तगड़ा वाला रूट, मतलब इतना सीनरी है ना, ये इतना मज़ा आ जाता है देख के एकदम। मैंने शायद पैनियर वैनियर्स लॉक करे कि नहीं करे, कर दिया एंड कर दिया टर्न, परफेक्ट। सो मैंने गोप्रो लगा दिया है, मतलब इंस्टा 360 लगा दिया है स्टिक पे, सेल्फी स्टिक पे। सो कुछ बढ़िया शॉट्स आएंगे, लेट्स सी। अब आने वाला है ये जो वैली आएगी ना, बहुत ही तगड़ी लगती है, ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, बस ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। बाकी तो ये वैली लग रही है यार, एक नंबर, वाह, ब्यूटीफुल। अब आने वाली है फाइनली इतने टाइम बाद टारमैक रोड, वेरी नाइस। ये आ गया ब्रिज, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये तो, वाओ। सो हम पहुंच गए हैं वानला, एंड अब वानला की थोड़ी सी चढ़ाई रहेगी। एक बार मैं चेक कर लूँ, अच्छा इस तरफ जाना है, दिस इज़ वानला एक्चुअली। एंड अब होगी खतरू वाली रोड स्टार्ट, मतलब वैली, बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली, वाओ। अब हो जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड पे, वैली बहुत ही गजब है। ये स्टार्ट हो गई रोड फाइनली, ओ माय गॉड। ले एंड मनाली, राइट हैंड साइड पे मनाली लिखा है और इस तरफ है ले, जहाँ हमें जाना है। वाओ, इस तरफ से उस तरफ घूम रही है पूरी वैली, मतलब रोड्स इस वैली में, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, अल्टीमेट। ये आएगा परफेक्ट वाला, और जब से मैंने इस रोड की वीडियोस देखी थी ना, तब से शिंगेला सिरसिला करने के बजाय मुझे ये बड़ा लगता था कि यहाँ आऊँ मैं एंड वो राइड करूँ। क्या बना हुआ है ऊपर, अच्छा कुछ बना हुआ है, पत्थर वगैरह रख के। और इस वैली में ठंड भी है और पूरी शैडो में है, इसलिए काफ़ी भयंकर वाली ठंड है। हवा भी चल रही है एकदम वैली के बीच में, यहाँ ड्रोन उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बस, बट ये है व्यू, क्या बात है। तो सी द व्यू एंड एंजॉय इट। वाओ, कितना छोटा सा ब्रिज है, और हम लोग लामायुरू मूनलैंड से जस्ट थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर आगे रुकेंगे वहाँ पे। मैं बस जब फर्स्ट टाइम जब लद्दाख आया था, ले आया था, तब मैं मुड़ गया था उस रोड पे, फिर मुझे पता लगा कि नहीं ये रोड नहीं है, दिस इज, ये जाता है वानला। और कितना सुंदर रोड है ये तो देखो यार, अमेजिंग स्ट्रक्चर्स, एकदम से ब्यूटी चेंज हो गई इस वैली से, इस वैली में आने से ही, जैसे ही हम लोग वो माउंटेन उतरे ना, अलग ही ब्यूटी हो गई है इस वैली की। एंड कल ले पहुंच के आई थिंक हम लोग एक दिन स्टे करेंगे, क्योंकि बहुत थक गए एकदम, कहीं पे अच्छा नॉर्मल स्टे मिला है हर जगह, एकदम अच्छा तो नहीं मिला, बट बढ़िया था, कोजी था हर जगह, फूड वाज ओके।
फंजीला, फंजीला है 3 किलोमीटर। सो बंदो फाइनली आ चुके हैं वानला मोनेस्ट्री में, और दिस इज़ वानला मोनेस्ट्री। वैसे तो ऊपर है, हम लोगों के पास टाइम है नहीं अभी, क्योंकि 3:20 हो चुका है और मैंने गलत बोल दिया था कि पहले वाला वानला है, बट वो कोई और विलेज है। सो अब बहुत थक चुके हैं और कुछ खाने को चाहिए, मतलब फाइनली आ चुके हैं हम लोग लेह रोड पे, एंड दिस कनेक्ट श्रीनगर टू लेह हाईवे। और ये देखो वानला, वानला से आए हम लोग, और ये पादम लिखा है यहाँ पे, एंड वेलकम्स यू टू थर्ड एक्सेस, तो दिस इज थर्ड एक्सेस। चलो नाइस, अब थोड़ी सी स्पीड जो है वो अपनी तेज़ हो जाएगी, लेट्स गो। बट आराम से ही चलेंगे क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, इसलिए अपन लोग एकदम भगाएंगे भी नहीं। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप आएगा, पेट्रोल फिल कर लेंगे। एंड सरप्राइजिंगली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हिमालयन हमारी 450 ने 34 का एवरेज दिया है। कैन यू इमेजिन, 34 का एवरेज मिला है मुझे इस खतरनाक वाले ऑफ रोड पे। सो जस्ट इमेजिन इट। और मेरा अभी भी रेंज जो पादुम से डलवाया था मैंने 206 किलोमीटर का, तो ये रेंज बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर अभी भी बाइक चल सकती है। और वहाँ से आ ही गए होंगे हम लोग ऑलमोस्ट 250-260 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ क्रेजी यार, इतना ख़तरनाक टैंक रेंज मिलेगा मुझे नहीं पता था। सो ये मज़ेदार चीज़ हो गई अपनी। और सबसे अच्छी बात, हाईवे पे जो स्पीड पंच देती है वो तो है ही, और ऑफ रोड पे जो कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी वो सच में अनरियल है। मतलब इतने लगेज के साथ भी मैंने कहाँ कहाँ चढ़ाई है, और आज तो क्या खतरू वाला एकदम अपन ने लिया था एक शॉर्टकट, जो आपने देखा ही होगा बहुत ही स्टीप था वो। अब ये भाई निकलने तो देंगे नहीं, खलसी इस 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर में आ जाएगा अपना पेट्रोल पंप। और देखो इस रोड पे दिखने लग गए हैं अब काफ़ी सारे राइडर्स, ये देखो टीजी कहाँ का नंबर होता है यार, मुझे तो पता ही नहीं है, आपको पता है तो कमेंट कर देना। सो बढ़िया है, अब चलते रहते हैं और देखते हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे में लेह पहुँच सकते हैं। लेकिन बीच में जो वो खाली वाला पैच आता है वहाँ पे कुछ बढ़िया वाले पिक्चर्स और वीडियोस निकालेंगे, ड्रोन शॉट्स निकालेंगे। यहाँ पे नहीं ले पाए क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी कि अब सीधे पेट्रोल डलवा के कुछ खाना खाएंगे। और मेरा फ़ोन चल गया है आई थिंक सो। सो क्या ब्यूटीफुल हाईवे है यार ये, एंड जब भी इस पर आते हैं तभी मज़ा आ जाता है। इस बार तो आधे ही कवर करना है, क्या मज़ेदार हाईवे लग रहा है। और हमारे टायर्स भी इसी चीज़ के लिए बने हैं, वैसे तो ऑफ रोड में भी कोई प्रॉब्लम तो दी नहीं, एक ज़रा सा भी स्लिप नहीं आया। और बाइकर्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, देखो क्या बात है। और जो फ्यूल इकोनॉमी हमारी बाइक ने दी है उससे तो मज़ा ही आ गया। तो खल से इस 5 किलोमीटर्स, तो 5 किलोमीटर्स में हमारा आ जाएगा पेट्रोल पंप। पहले ये पेट्रोल पंप हुआ नहीं करता था वैसे तो, और अपनी बाइक तो इजीली ले पहुंच सकती है, मतलब 100 किलोमीटर्स ये ले, और अपनी रेंज ही आ रही है 199 की, मतलब बहुत चलेगी अभी तो। सही है, बट डोमिनार का टैंक रेंज छोटा है, उसका 12 लीटर्स का है, और इन लोगों का थोड़ा सा एवरेज भी कम आ रहा था। सो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स कुछ चलती है, और ये चल जाती है 520-530 किलोमीटर्स, क्या बात है। एकदम ही नॉस्टैल्जिक हो गया, जब मैं फर्स्ट टाइम ले आया था तो मैंने यहाँ पे खाया था खाना। सो बहुत ही बढ़िया वाले राजमा चावल मिल गए थे, एक बार इन भाई लोगों से पूछ लेते पहले खा ले क्या। अरे बढ़िया, यहाँ पे बहुत बढ़िया राजमा चावल मिल जाएंगे, है ना, बहुत बहुत तेज भूख है, लगाओ। हाय 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 हाय, थक गए, मज़ा आ गया। सो बंदो बढ़िया वाला लंच कर लिया, और ये क्या हुआ, अरे रुको रुको, कहीं हो गए यार, उधर जाओ स्टैंड लगा लो।
आराम से। सो बंदो 977 रुपीस का आया है फ्यूल, और पादुम में डलवाया था, उसके बाद से अब फ्यूल अप करवाया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे एंड पहुँचते हैं ले फटाफट। तो सीरियसली यार, ये रोड जब भी आती है ना तो इतनी सारी यादें आ जाती हैं। जब फर्स्ट ट्रिप पे मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख आया था, आई वॉज 17 दैट टाइम, और FZ मेरी प्यारी बाइक, और मतलब कितनी सारी चीज़ें, हर एक ढाबे, हर एक पल एकदम याद आने लग जाते हैं सारी चीज़ें। ओह सी दिस, एंड जहाँ मैंने आज राजमा चावल खाए वहीं पे ही उस टाइम पे भी राजमा चावल खाए थे, सो एकदम नॉस्टैल्जिक हो गया मामला। सो अब चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स बाकी होगा लेह, 1.5 आवर लगने वाला है, और तभी काफ़ी तेज़ एकदम आया है तो मज़ा आ गया काफ़ी ज़्यादा। अब चलते हैं आराम आराम से, अपने बंदों का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड कल हमने सोचा है कि कल हम लोग रेस्ट लेंगे एंड थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह अपलोड कर देंगे, एंड जो भी थोड़े बहुत और काम है तो वो सब करके, बाइक वगैरह वॉश करनी है सबसे पहले, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सो वो करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो काम करेंगे कल, एंड देन परसों जो है वो निकलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, पूरा नेक्स्ट जो सर्किट होने वाला है उसकी तरफ। सो सही है, एंड ये लद्दाख के टैक्सी वालों को तो देखो यार, कितनी तेज़ और रैश चला रहा है वो बंदा ना, और पीछे भी एक ऐसे ही बंदा था, इतनी तेज़ चला रहा है, और धुआं ही धुआं निकाल रहे हैं सारे। देखो धुएं से उसका पूरा बोनट तक काला हो गया है, और इसका ओवरटेक चेकआउट करो। सो गाइज, दिस इज द स्ट्रेट रोड जो ले एंटर करने पे आती है निमो के पहले, एंड इस रोड पे आगे तो सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख आ रहा हूँ यार। सीरियसली इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं बैग्स वगैरह बांध के RJ वगैरह की गाड़ियों से, मतलब इतना अलग फील, अलग वाइब उनको देख के लगता है ना कि फर्स्ट टाइम कोई लेह जा रहा है, और बंदे का तो ड्रीम होता है एक्चुअली कि लेह जा रहा है मुझे, वाह। सो एकदम इतनी सारी चीज़ें देख ली मैंने इस हाईवे पे एकदम से ही, और अब आएगा वो स्ट्रेट रोड एकदम परफेक्ट वाला। वैसे काफ़ी सारा डेवलपमेंट तो हो ही गया है अब, कहीं रुक के एक पिक्चर ज़रूर क्लिक करवाएंगे जहाँ से वो स्ट्रेट रोड दिखता है ना पूरा वो वाला। सो बंदो, ये है संगम, यहाँ से यार ये जंस्कार रिवर और ये है इंडस रिवर। सो निमो एक्चुअली यही है, ये वाला निमो ही है, और ये वाला जो रोड है ये है न्यू हाईवे जिसपे से आने में हमें मना कर दिया। कुछ गाड़ियाँ तो आ रही है लेकिन आगे विलेजेस भी है, चिलिंग एंड ऑल, सो वहाँ तक का रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, उसके आगे का तो भगवान जाने। सो ठीक है, अब चलते हैं, ऐसे ही रुका था मैं।